टू माय चैनल, आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, कुछ लोगों की यह मूर्ति देख बोलती बंद हो गई होगी। आप सभी कमेंट में बताइए कि यह किसकी प्रतिमा है। इस मूर्ति का वर्णन करें तो पता चलता है कि यह शाक्य मुनि बुद्ध की मूर्ति है। यह अभय मुद्रा में है। पीछे में सात सिर वाला नाग है जो शाक्य मुनि बुद्ध को आश्रय देते हुए हैं। जो सभी एशिया की बुद्ध प्रतिमाओं में दिखता है, उसे मुसीलंदा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मुसीलंदा ने बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद बारिश और तूफान जैसे तत्वों से बचाया था। यह आप सभी जानते हैं, लेकिन यह मूर्ति का या मंदिर का नाम ओम शेष नारायण नमः, मतलब शेष नारायण मंदिर जैसे लिखा है। आप ही बताइए, यह शेष नारायण है या शेष बुद्ध है? मूर्ति के सामने नंदी या गाय है। लेकिन अब कुछ लोग यह कहेंगे कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार है। अगर आपको अपना धर्म इतना अच्छा लगता है, तो बुद्ध का इतिहास चुराते क्यों है? यह भारत देश मतलब अखंड जम्बूद्वीप तथागत बुद्ध और महान शासक सम्राट अशोक की धरती है। दावा है कि जितने भी प्राचीन ब्राह्मणी मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश बुद्ध विहारों के नींव के ऊपर बनाए गए हैं। भारत में हर एक मंदिर में बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देंगे। जरा ब्राह्मणी देवताओं की साज सज्जा तथा चुनरिया तो हटाकर दिखाइए। बुद्ध तो इतने प्रसिद्ध है, एक ही नजर में दुनिया का हर एक इंसान बुद्ध को देखते ही पहले नमन करता है। कुछ ही भारत के हैं सच के साथ नहीं रहते, उन्हें झूठ के साथ रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए बुद्ध को तरह तरह के नाम देकर विकृत किया है। आप बुद्ध के ऊपर कितने भी पर्दे डालो, कितना भी छुपाने का प्रयास करो, बुद्ध की यह धरती है। बुद्ध जमीन से भी निकालकर दुनिया को दिखाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय।